भारतीय राजनीति के इतिहास में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट में काम करने वाले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुरुवार शाम निधन हो गया है। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। रामविलास पासवान केंद्र सरकार में उपभोक्ता मंत्री थे। लंबे वक्त से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। 5 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में वह 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। पिछले 2 दशक में वह लगभग हर केंद्र सरकार में शामिल रहे और मंत्री बने। रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शाहरबन्नी गांव के एक दलित परिवार में हुआ। 1969 में उनका चयन डीएसपी पद के लिए हो गया था, लेकिन उनकी किस्मत में राजनीति लिखी थी। छात्र राजनीति में सक्रिय रामविलास पासवान जयप्रकाश नारायण के समाजवादी आंदोलन से निकले थे। साल 1969 में पहली बार पासवान बिहार के विधानसभा चुनावों में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित हुए। उसके बाद 1974 में जब लोक दल बना तो पासवान उससे जुड़ गए और महासचिव बनाए गए। साल 1975 के आपातकाल का विरोध करते हुए रामविलास पासवान जेल भी गए। आपातकाल खत्म होने के बाद उन्होंने जनता दल ज्वाइन कर लिया। जनता दल के ही टिकट पर उन्होंने हाजीपुर संसदीय सीट से 1977 का आम चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक अंतर से जीत दर्ज की। रामविलास पासवान ने 1980 के लोकसभा चुनावों में भाग लिया और जीत भी दर्ज की। रामविलास पासवान ने साल 1983 में दलितों के उत्थान के लिए दलित सेना का गठन किया। वहीं 1989 में नरवी लोकसभा में तीसरी बार लोकसभा के लिए चुने गए। केंद्र की वीपी सिंह सरकार में उन्हें पहली बार कैबिनेट में जगह मिली और श्रम कल्याण मंत्री उन्हें बनाया गया, जिसके बाद वह केंद्र की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे। वह कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, कभी आरजेडी तो कभी जेडीयू के साथ कई गठबंधनों में रहे और केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। उन्होंने विभिन्न सरकारों में रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्रालय तक की जिम्मेदारी संभाली। शायद यही वजह थी कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक तक कह दिया, क्योंकि केंद्र में किसी की भी सरकार बने रामविलास पासवान मंत्री जरूर बन जाते थे। 2002 में गुजरात दंगों की वजह से रामविलास पासवान वाजपेयी सरकार से इस्तीफा दे चुके थे और एनडीए भी छोड़ दिया था, जिसके बाद वह यूपीए से जुड़े और मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिली। 2014 में वह राजनीतिक हवा भाप गए और यूपीए छोड़कर फिर से एनडीए का दामन थाम लिया। 2014 और फिर 2019 में बनी नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों में वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान लोगों के बीच खाद्यान्न व अन्य सामानों की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए वे सदैव कार्यरत रहे। इस दौरान वे अपना नियमित मेडिकल चेकअप नहीं करा सके, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर अस्पताल गए तो वहां से वे वापस नहीं लौट सके। रामविलास पासवान के निधन की सूचना के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर है। उनके सम्मान में शुक्रवार को राजकीय शोक की घोषणा की गई है और इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंच चुका है। पीएम मोदी ने उनके आवास पर पहुंचकर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और दुखी परिवार को ढांढस बंधाया। टीसीपी 24 न्यूज़ भी दिवंगत रामविलास पासवान को भावभीनी श्रद्धांजलि देता है।